जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 11.3, इट इज बेस्ड अपॉन एलिप्स, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्त। हाँ, कुछ सम्स बच्चों हम कर चुके हैं, 9 सम्स हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। तो अच्छी सम्स है ना, कुछ करने लायक है। हम एलिप्स की इक्वेशन बना रहे हैं, सोचिए कितनी अच्छी बात है। इसके वर्टिसेस यानी कि शीर्ष आपको दे रखे हैं ±5, 0, ओके, और दे रखा है फोकी। फोकी क्या है? ±4, 0। तो बच्चों हमको एक बात इसको देख के समझ जानी चाहिए कि हमारा जो एलिप्स होगा ना वो क्षैतिज होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल। इसको देखकर कैसे समझ में आया? क्योंकि जो इसके वर्टिसेस है ना ये एक्स एक्सिस पर है वर्टिसेस, ठीक है, और फोकी भी, तो इसका मतलब ये ऐसा वाला एलिप्स है, ठीक। तो चलिए, हमको वर्टिसेस दिया है यानी ए मिल गया 5, और फोकी दिया है यानी सी मिल गया 4। यहाँ पर हमको रिलेशन मालूम है क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन हमको मालूम है। वैल्यूज रख दीजिए, ए की हो गई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि ये 3 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, है ना। तो हमारा आंसर कितना स्वादिष्ट है, फटाफट आ गया, ठीक है। बच्चों ये तो मुझे लग रहा है सब एक से ही हैं, कम से कम ये 3 तो एक से ही हैं। चलिए करते हैं। हाँ, इलेवेंथ में आपको वर्टिसेस दिए हैं 0 ±13, और फोकी दी है ±4, 0। सॉरी, ऐसा कैसे हो सकता है, वही मुझे लगा। अच्छा बताओ, मैंने कैसे समझा? जब ये वाई एक्सिस पर है तो ये कैसे एक्स एक्सिस पर हो सकते हैं, मैंने ये ऊपर वाला कॉपी कर लिया था बाई मिस्टेक, तो ये ठीक है। तो ये कैसा वाला है? ये ऐसा वाला है। हाँ, इसकी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये वाली। हाँ चलिए, अब यहाँ पर वर्टिसेस, तो ए कितना? 13 और सी 5। यहाँ से हम बी स्क्वायर लेंगे, बी स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, यही ये बेटा यही चीज़ है, ये देखो ये है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया डायरेक्ट। तो फिर ए कितना? 13 का स्क्वायर 169 और सी का स्क्वायर 25। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी मालूम है 12 आएगा। इक्वेशन क्या रेडी हो गई? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन 144 बी स्क्वायर, है ना, और वाई स्क्वायर ये हो गई आपकी 169 इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल, है ना। चलिए, 12th क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर ले लेंगे। इसमें वर्टिसेस हैं ±60 और फोकस है ±40। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा वाला है, सभी समझ गए अब तो, है ना। तो वर्टिसेस यानी ए 6, ओके, फोकस यानी सी मींस 4, गॉट इट। तो ये आ गया 4, अब भी निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 6² - 4² 36 - 16 स्क्वायर रूट ऑफ 20, ये बी आ गया। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए तो 6 है, 6² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स योर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, तो एक टाइप के सिमिलर टाइप के तीन सम्स थे जो इजीली हो चुके हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये और भी सिंपल है, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, हो गई छुट्टी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, ये कितना सिंपल सॉल्व कर दिया। थोड़ा पता है निराशा सी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो लेवल हो बच्चों हमारे लिए। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है ना, तो प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ये आपको दिया है प्लस माइनस 3.0। ठीक है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, और दीर्घ अक्ष हमेशा 2a होती है ना, ये हो गया। इसका मतलब a बच्चों 3 हो गया। इसके बाद है एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, ये आपको 0 प्लस माइनस बी, ये दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस 2। कंपेयर किया तो b कितना आया, 2 आया, इक्वेशन रेडी हो गई। एक्स स्क्वायर अपॉन 9, लिख लेना एक्स स्टेप बढ़ा लेना 3 स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर का एक्स स्टेप बढ़ा लेना, बस और तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें, मैं क्या बताऊँ और क्या करके दूँ आपको, है ना, कितना तो सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, सिंपल। अब की बार बस इतना है कि मेजर एक्सिस प्लस ज़ीरो प्लस माइनस ए है, यानी हमारा डायग्राम वर्टिकल है। तो 0 प्लस माइनस रूट 5, तो बच्चों ए हो गया रूट 5। और माइनर एक्सिस है प्लस माइनस बी कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस 1.0, तो बी इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, देख लो कितना सिंपल है। खुद ही बोलोगे कि सच में मैम ये तो बहुत सिंपल है, देखो सिंपल नहीं गड़बड़ करा दी सिंपल नहीं गड़बड़ करा दी, ये इक्वेशन ऐसे नहीं होगी। ये इक्वेशन कैसे होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 5, गॉट इट। तो मिस्टेक देखो हो ही गई है ना, सिंपल मेरी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 एंड फोकी इज प्लस माइनस 50, यानी इसमें ए और सी दिया है, सिंपल। मेजर एक्सिस हमेशा 2a होगी और फोकी बच्चों सी देता है हमको, है ना, और ये वाला है यानी कि हॉरिजॉन्टल। फोकी को देख के पता चल गया ना एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लूँ 2a आपको दिया है 16। हिंदी वाले भी देख लो, दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 है और नाभिया प्लस माइनस 5.0। तो बच्चों ए हो गया आपका 13 और फोकी आपको दी है प्लस माइनस 5.0, तो इसका मतलब सी आपके पास 5 है। बी कैसे निकालिएगा, बी ऐसे निकालिएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 169 माइनस 25 दैट इज 12। नाउ ये हॉरिजॉन्टल है ना, अभी गलती नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 169, ओके, और वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। हियर इट इज, ये देखिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, हाँ, और फोकी ए, तो इसकी इक्वेशन भैया पहले लिख लूँ मैं, ये होने वाली है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होने वाली है ना। तो माइनर एक्सिस यानी कि 2b, 2b कितनी दी है 16, तो बच्चों b कितना हो गया 8, b तो आ गया।
और क्या दिया है, फोकी, फोकी या हंसना नहीं, फोकी, फोसी, फोसाई, क्या बोलना है, फोकाई जो बोलना है बोल लो, नाउन है ये, तो कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सी बच्चों आ गया आपका 6। अब आपके पास बी और सी है, तो 8 आपको 10 दिख रहा होगा कि नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 64 प्लस 36 से 100 का स्क्वायर रूट 10। ये कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। तो बच्चों ए आ गया, बी पहले से है, इक्वेशन रेडी, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, और फिर वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। फोकी दिया है और ए दिया है, क्या मजाक है यार, कितना तो सिंपल है। फोकी यानी क्या, फोकी क्या होता है, सी प्लस माइनस सी 0 है ना, तो सी दे दिया 3 हो गया, और ए बना बनाया दे दिया, लो जी कितना तो सिंपल हो गया। बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 यानी कि रूट 7 है ना, बी आ गया, ए दिया हुआ है, अरे यार कितना तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4, केंद्र मूल बिंदु पर, नाभिया X अक्ष पर, हे भगवान क्या इसमें रॉकेट साइंस है बाबा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, B दे रखा है और C दे रखा है और नाभिया X अक्ष पर, उफ, B 3 C 4 A आ जाएगा 5, करके देख लेना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके निकाल लेना A, है ना, और नाभिया कहाँ बता दिया, एक्स अक्ष पर, झंझट ही खत्म, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, कितना सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र 00 पर, ये कौन सी बात बताई इन्होंने, हमको मालूम ही रहता है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर, ठीक है, और बिंदुओं 3, 2 और 1, 6 से होकर जाता है, कुछ तो करने लायक मिला हमें, है ना, कुछ तो मिला जो हम अब करेंगे सवाल की तरह से। तो अब ठीक है, ये देखते हैं, दीर्घ अक्ष कहाँ पर है, वाई अक्ष पर, हाँ, तो इसकी जो शेप होगी ना बच्चों, वो वर्टिकल होगी, है ना, यानी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स पर यानी इस दीर्घ वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक है 3, 2 और एक है 1, 6, ऐसे अपने मन से ले लिया मैंने कहीं पे भी, ये इसकी बाउंड्री पर है, तो जब पॉइंट इसकी बाउंड्री पर है, दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये एक्स वाई की जगह पर है ना, एक्स वाई से इक्वेशन बनी थी याद है, तो ये एक्स वाई है, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, चलिए पहले ये वाला कर देते हैं, लिख लेना बच्चों इन सबको, आप इस चीज़ को लिखेंगे, है ना, कि दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, चूँकि ये इलिप्स की बाउंड्री पर है ये बिंदु, अतः ये इलिप्स की यानी कि दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो रखते हैं एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन बी स्क्वायर, वाई के प्लेस पर 6, 36 हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 3, 2 है ना, ये भी लाई करा दो, तो 3 स्क्वायर से हो गया 9 अपॉन बी स्क्वायर, और 2 से हो गया 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगेन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करें, इस इक्वेशन को 9 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक, तो ये बन जाएगी 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 6 54 9 3 24 लग रहा है मुझे,
अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। समीकरण एक को बच्चों मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये समझो समीकरण 3 बन के हमारे सामने आ गई। इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख दो, ये लीजिए मैंने लिख दिया इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल, 4 कैंसिल हुआ तो 320 अपॉन ए स्क्वायर, ओके, और ये 8 एक्सचेंज कर दें, 8 नीचे ए स्क्वायर ऊपर, तो 8 4 जा 32 40 आ गया बच्चों, ए स्क्वायर 40 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 40, बच्चों ये थी इक्वेशन 1 ये वाली, है ना, तो 36 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। ये 4 से कैंसिलेबल है, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस 9 अपॉन 10 को इधर ले आए, है ना, 9 माइनस का हो गया, इसको इधर कर दो, तो हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, दैट मीन्स बी स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 10। अब ए स्क्वायर 40 और बी स्क्वायर 10, है ना, और इक्वेशन कैसी है, ये वर्टिकल वाली है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मैं पेज नहीं चेंज कर रही हूँ, यहीं पर लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बिकम द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हेयर इज द क्वेश्चन, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर और बिंदुओं 4-3 और 6-2 से जाता है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4-3 एंड 6-2। सिमिलर क्वेश्चन है और ये इस बार ऐसा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है बच्चों 6-2 और दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं 4-3, ओके, तो चलिए इसको लाई करा देते हैं, लिखने की थ्योरी आप लिख लेंगे, है ना, तो यहाँ रखते हैं 4, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वेशन 1, दूसरे रखा तो ये हो गया 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से और इसको मल्टीप्लाई किया 9 से, यहाँ रखते हैं 16 4 जार 64 अपॉन ए स्क्वायर, 4 9 जार 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 36 को 9 से हमने पिछले पेज पर किया था तो 324 ही आया था अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर, ओ माई गॉड, ये 4 और फिर ये आ जाएगा 9, माइनस 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 ये कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 6 260 माइनस का, यहाँ आएगा माइनस 5 अपॉन ए स्क्वायर, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर और 5 का प्लेस चेंज कर दीजिए, 260 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो बच्चों ए स्क्वायर हमको मिल गया 52, ठीक। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रही आपकी समीकरण 1, इक्वेशन 1, है ना, यहाँ मैं ए स्क्वायर के प्लेस पर लिखने जा रही हूँ 52, तो 16 अपॉन 52 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, चलिए इधर ले आइए बाद में देखते हैं, 9 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस 16 अपॉन 52, कैंसिल करने से पहले सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, 52 माइनस 16 अपॉन 52, गॉट इट, आगे बढ़े थोड़ा सा स्केल से, इधर लाइन लगा लेते हैं ना, थोड़ा नीटनेस दिखेगी, अभी ये मुझे मिल गया 9 अपॉन बी स्क्वायर और 12 में से 6 गया 6 और 4 में से बन गया 36 अपॉन 52, 9 1 9 9 4 36 हो गया। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लें,
या कैंसिल ही करें ना, हो तो रहा है 13 चौक 52 है ना, तो ये कितना आ गया 1/b² इज इक्वल टू 1/13, दैट मीन्स 2² इज इक्वल टू 13। अब बच्चों मेरे पास 2² भी है, मेरे पास 2² भी है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी फटाफट। ये हो गया 2² / 52 प्लस 2² / 13 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अब हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं हाइपरबोला। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।